वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। म्यूजिक करा के भाई उच्ची दे बोल, भैया को सब्सक्राइब करो। तेरे शहर घूम दे अगर भी, म्यूजिक करा के भाई उच्ची दे बोल के टायर घूम दे तेरे शहर घूम दे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल। दिस इज पीयूष। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं सुबह उठकर तैयार हो चुका हूं। अभी G20 का टाइम चल रहा है तो हमारे घर में एकदम से अनफॉर्चुनेटली कुछ वो सीन बना गया। हम कुछ कारोबार डिसाइड करते नहीं लेने के लिए, तो वहाँ उसको जा रहे हैं बुक करवाने हैं। देखने जो भी होता है, अगर पसंद आ गई टाइम में, अभी एकदम बजट में बैठती हुई गाड़ी तो देखने का। अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, लंबी लेनी है, छोटी लेनी है, बड़ी लेनी है, कुछ हमें पता ही है। तो फटाफट चलो मेरे साथ तुम। बेसिकली अभी तो किया भी यही दिखे हैं, किया आई राइडर, ये होंडा कुछ देखते हैं। तो अरे बिल्कुल अनसर्टेन है क्या लेने क्या नहीं, तो ठीक है तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें दिखाता हूँ क्या लेते क्या नहीं। ठीक है, ओके बाय। तो गाइस आ गए, पहले देखने एलिवेट के देखो आगे से ऐसे है। देखो ये ऐसी है और इसके बाद अभी हम देखेंगे होंडा सिटी। तो सबसे बढ़िया पहले देखते हैं, दिखा दो तुम्हें पूरा। ठीक है, अभी होंडा सिटी में आया, मतलब होंडा में आया मैं। तो भाई ये देखो ये सिस्टम है, ये होंडा का एलिवेट है। इसमें देखो ये वाला, ये तुम्हारा टच स्क्रीन वो आया हुआ है, छोटा सा वो है, और सनरूफ इसकी बहुत छोटी लगी मेरे को। तो मतलब ये देखो तुम, ये बाकी तुम्हारी, ये तुम्हारा होंडा का, ये जो तुम्हारा बेसिक सा होता है, ये गियर मैनुअल, और तुम्हारा ये वेंटिलेटेड सीट्स आएंगे इसमें, उतना पता नहीं। अब तुम सोच रहे हो मैं कार रिव्यू भी दे रहा हूँ, मतलब ब्लॉगर हूँ, बट क्या करें, कंटेंट के लिए कभी कभी करना पड़ता है। बाकी इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं होंडा की एलिवेट में। ठीक है, नॉर्मल गाड़ी है ये, देखो मारुति की, और चीप बटन लग रहे हैं बड़े। ये देखो आवाज़ भी देखो अच्छा लगा यार, हॉर्न भी सुन लिया तुमने। चलो देखते हैं यार, मेरा तो वैसे असली दिल होंडा सिटी पे है, लेट्स सी। अभी पर वो वाली खड़ी है जो थी, है हाइब्रिड खड़ी है, और वो कह रहे हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा, लेट्स सी क्या करते क्या नहीं। बस यही है, और ये 15 लाख की पड़ रही है ये वाला मॉडल कह रहा हूँ, इसका विदाउट सनरूफ वाला, क्योंकि सनरूफ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं यार, इतनी महंगी लेकर भी क्या करेंगे। ठीक है, तो रुको भी मिलते हैं, होंडा का दिखा दो तुम्हें। तो गाइस ये हमारे हाथ में आई है होंडा सिटी, ऑटोमेटिक है, पर मैं ये अलग लूँगा, क्योंकि ये देखो इसमें सनरूफ वाली छोटी सी है, पर ये कम्फर्टेबल बहुत लग रही है। और इसमें ये दिक्कत लग रही है कि इसमें हमारा हेडरूम जो है ये है, ये तो बड़ा बेकार है, पर पीछे बहुत अच्छी स्पेस है। और यही तुम्हारे एसी के बटन आ गए, ये इसकी तब प्रीमियम थोड़ी लुक दे रही है। और इसकी सबसे बढ़िया बात बताओ क्या है, बूट स्पेस बहुत बढ़िया है, जो तुम कल को कोई तुम्हारा कोई बिजनेस वैसे रिलेटेड है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और बस यही है यार, गाड़ी तुम ओके लग रही है एकदम, एलिवेट से मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि सेडान की एक अपनी अलग ही वो होती है, क्या कहते हैं, सेडान एक अच्छी वैसी मानी जाती है यार, क्या बोलते हैं, कम्फर्टेबल बहुत अलग होती है। ऐसी हुई ठीक है, पहले भी घर पर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये देख लो, ये इसका ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक तो हम लेंगे नहीं, माइलेज बहुत बेकार आती है। एक नॉम्बर इसमें शायद स्पोर्ट्स मोड वगैरह आएगा कुछ है, पेडल शिफ्टर भी गिवन है इसमें, ठीक है। और बस यही है गाड़ी में, अब आज तो शायद आएगा इसमें ये देखूंगा दो गाड़ियाँ, उसके बाद क्या पता ग्रैंड विटारा वगैरह भी देखने जाए, क्योंकि एलिवेट सब देख ही है। एलिवेट में बस यार एक चीज़ की दिक्कत लगी है कि ये ना वो है, क्या बोलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, या 18-19 लाख रुपये खर्च रहा है, तो बंदा भाई पैनोरामिक सनरूफ क्यों ना वो करे। बाकी ये गाड़ी वैसे होंडा वालों की तरफ से 9 लाख रुपए की है, मतलब ये चलो ये तो टॉप मॉडल आएगा, सनरूफ वाला विदाउट सनरूफ और सेम सब कुछ, ये VX है कैसे, हाँ तो ये 9 लाख रुपए की है, बट असली में 55% तो टैक्स गवर्नमेंट लेती है। तो समझ नहीं आ रहा यार क्या कर रही है गवर्नमेंट, इतना टैक्स क्यों लेती है यार। तो बस यही है, तो ठीक है देखते हैं इनका नेट प्राइस क्या पड़ता है क्या नहीं होता, अगले शोरूम में चलेंगे तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो गाइस अभी आपने ये जो देखा गाड़ी वाड़ी का, अब देखो आप बताओ कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। बाकी मेरा तो होंडा सिटी में जो असली मना है, बस उसका हाइट वाला इशू वो देखना रह गया है। अब टेस्ट ड्राइव भी लेके देखनी पड़ेगी कैसा कंफर्ट है कैसे नहीं, पर होंडा सिटी का चलो ऑब्वियस है कि बिकी रही है इतने टाइम से। तो और भी गाड़ियाँ देखते हैं अभी, तो तुम कमेंट करके बताओ और कोई सजेशन तुम्हारे भाई को, कौन सी अच्छी है आजकल कौन सी नहीं। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं, बुलेट आने वाली है मेरी बहुत जल्दी, तो बुलेट का आएगा सीधा ब्लॉग, उसके लिए वेट करो। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आ जाएगा। पहले तो तुम्हारी अमृतसर वाली सीरीज़ तुम पहले पूरे देख लो, तो अभी ये रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब हो रहा है, बड़े लेट चल रहे हैं मेरे ब्लॉग, मेरे को पता है क्योंकि थोड़ी बीटी चल रही है आजकल। तो जैसे ही होता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है, तब तक बाय।